वेलकम टू बबीताज वेज किचन। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक नई तरह की मिठाई। ये मिठाई पाली जी बिस्किट और नारियल से बनती है। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, ये काफ़ी आसानी से घर पे बन जाती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 पाली जी बिस्किट के पैकेट, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 100 ग्राम पाउडर्ड शुगर, 1 ग्लास दूध, 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट और 3 बड़े चम्मच बटर। सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में पार्ले जी बिस्किट को ग्राइंड कर लें। देखिए इस तरह से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। हमने इसे ग्राइंड कर पाउडर फॉर्म में बना लिया है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। बिस्किट के पाउडर में 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल लें। अब इसमें 6 से 7 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल लें, 2 टेबलस्पून बटर डाल लें और इन सबको अच्छे से मिला लें। सब अच्छे से मिल चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका डो बना लेंगे। इसका डो ना ही बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए ना ही हार्ड होना चाहिए, इसे नॉर्मल रखना है हमें। दूध को भी हमें ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है। तो ये हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब हम फॉइल पेपर पर डो को रख कर इसे अच्छे से बेल लेंगे। हमें इसे थोड़ा सा मोटा बेलना है। आप फॉइल पेपर की जगह बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने इसे बेल लिया है, अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। 50 ग्राम नारियल के बूरे में 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर डालें। अब इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालें और इन्हें अच्छे से मिला लें। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालें ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम डो के ऊपर इसकी एक लेयर लगा लेंगे। इसे अब एल्युमिनियम फॉइल की हेल्प से फोल्ड कर लें। देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि एल्युमिनियम फॉइल को हमें उठाते रहना है, वरना ये साथ में ही फोल्ड हो जाएगी। तो ये हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। अब हम इसे 2 घंटे तक फ्रीज़र में रख देंगे। मैंने इसे 2 घंटे तक फ्रीज कर लिया है, तो चलिए अब इसे अनरैप कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखा आपने ये मिठाई कितनी आसानी से घर पर बन गई और ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये बिस्किट से बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।